वक्त तो मौजूद हूँ बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत कैतपुरा पंचायत के खुर्द मानदर में। यहाँ पर एक पैक्स गवर्नमेंट का पैक्स बना हुआ है जो यहाँ के ग्रामीणों को सब कुछ की सुविधा मिलती है। इसके सामने ये छोटा सा एक किराना का स्टोर था जो छोटा सा स्टोर है और उनके दुकान में कुछ हादसा हो गया आज रात में। वो हम पूछेंगे, दुकानदारों से बातचीत भी करेंगे, यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी बैठे हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दुकान में क्या हुआ है। आखिर हम जानते हैं, पहले दुकान वाले से बात कर लेते हैं क्या हुआ है। इनका एक छोटा सा किराना का दुकान है, दुकान को थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए। तो ये दुकान है, इसी दुकान में कुछ घटना हो गई है रात में, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ। आपका नाम जी? मोहम्मद इसराइल। क्या हुआ है आपके दुकान में? ताला तोड़ करके सर सामान चोरी हो गया। तो मैं बता दूं कि दुकानदार जितने इस इलाके को वो सावधान हो जाए कि चोर ताला तोड़कर आप दुकान में डाका डाल रहे हैं। तो ये इनका दुकान थोड़ा सा देख लीजिए, ये दुकान है, इनके अंदर में सामान रखे थे। तो दुकान से क्या क्या लेके गए हैं? दुकान से क्या क्या लेके गए? वही सामान, किराना सब गया दुकान में, सौदा पौदा, मधु, सिगरेट और पैसा। पैसा कितना लेके गया? 5,000। तो इनके दुकान से पैसा भी 5,000 रुपये लेके गए हैं और जो छोटा मोटा सामान मजदूर राजनिवास होते हैं और कुछ चीज़ें खाने के जो होती है वो लेके गए। लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? 7,000-8,000 का सामान का नुकसान हुआ है, जिसमें पैसे 3,000 थे। अरे 5,000 पैसे कैश जो रखे हुए थे इनके गले में वो लेके चले गए हैं। लगभग 3,000 का सामान लेके चले गए हैं। तो पैसे जो रखे थे तो इसी के अंदर में रखे थे? इसी के अंदर, कॉपी के अंदर। कॉपी के अंदर में? तो यहाँ पे आप रहते नहीं हैं? नहीं, यहाँ नहीं रहते, घर में सो गए। तो मतलब ये पता आपको कैसे चला कि दुकान में चोरी हो गया? हम सवेरे आए, देखें फाटक खुला हुआ और टूटा हुआ कुलेवा ताला, तब खोल करके देखें सामान नहीं। ताला मतलब छोटा वाला लगा हुआ? छोटा वाला है। तो थोड़ा सा गेट का कड़ी दिखा दीजिए, वो कैसे तोड़े हैं। ये इनका गेट है दुकान का, ऐसे ही था। ये देखिए इनका ये कड़ी जो है पूरा मोड़ दिया, मतलब क्या चीज से मोड़े होंगे कुछ अंदाजा? वो पूछने हमको पता क्या चीज से वो लोग मोड़ा नहीं मोड़ा। तो ये पूरी पूरी सबूत है कि इनका दुकान पे जो ताला वाला जो कड़ी रहता है वो तोड़े हैं। ग्रामीण से बात करेंगे कि ऐसे घटना जो हो रहा है इस पर क्या होनी चाहिए सोच लोगों की और यहाँ के प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं। आप अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम है। तो आपको पता चला है कि इनके दुकान में चोरी हो गया है, मतलब पैसे भी कैश लगभग 5,000 लेके चले गए, 2-3,000 का सामान लेके चला गया, जो खाने पीने छोटा मोटा सामान रखते हैं वो लेके चले गए। तो ऐसी घटना जो इस समाज में हो रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए प्रशासन के तरफ से? प्रशासन के तरफ से अंकुश लगना चाहिए जो भी इसमें अपराधी है। हालांकि छोटा मोटा अपराधी होगा, ये कोई ऐसे आया होगा, देखा हुआ निकाल के लेके चला गया, लेकिन वो गिरफ्त में आना चाहिए ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा घटना ना हो। प्रशासन को चाहिए कि उसको ढूंढा जाए कि कौन है इसके पीछे आके। तो यहाँ पर आगे पीछे कोई रहते हैं तो उनको पता नहीं चल पाया कि आप लोग जानकारी लेने कोशिश किए हैं कैसे हुए हैं? असल सर्दी का मौसम है, सब आदमी घर घर के अंदर सोता है, बगल में नाच गाना हो रहा था, हो सकता है कि वहाँ कुछ आदमी हो और वहाँ से फिर आके यहाँ घटना को अंजाम दिया हो। अभी जानना चाहते हैं कि आप लोग समाज सेविक हैं, फील्ड में रहते हैं, ऐसी घटना होते हैं तो इस पर आप लोग के क्या कंट्रोल हो सकता है, कैसे अगर कंट्रोल करना चाहे, अगर प्रशासन को छोड़ के अगर आप लोग इसकी हिफाजत करना चाहें तो? देखो जो काम प्रशासन का है तो प्रशासन ही करेगा, लेकिन इसमें ग्रामीण का जब तक सहयोग नहीं हो तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग जहाँ तक सहयोग की बात है, हम लोग सहयोग फुल सपोर्ट है प्रशासन का कि इस तरह का जहाँ भी अपराध हो, अगर हम लोगों को जरा सा भी भनक पड़ता है तो प्रशासन को हम लोग खबर जरूर करते हैं और करना भी चाहिए ताकि अपराध रुके, क्योंकि प्रशासन भी कोई फरिश्ता नहीं है जो उन्हें सब कुछ पता रहता है। जब तक गांव ग्रामीण उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो उनके पास जानकारी नहीं पहुंचती है, तभी वो घटनास्थल पर पहुँचते हैं और उनकी कार्रवाई करते हैं। तो आप लोग एक चीज़ और मुझे खुलासा कर दीजिए कि इस घटना को सूचना दिए हैं प्रशासन को? अभी तक तो नहीं दिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि दोपहर तक जाएगा वो घटना का। मतलब आप लोग मतलब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब अपने समाज का है, कहाँ का है, पता लगा रहे हैं? जी जी। तो अभी तक किसी से पूछे हैं कि मतलब ये कौन किए हैं, कोई अंदाजा है? नहीं, इस पे गौर किया जा रहा है कि आखिर ऐसा इस घटना को अंजाम कौन दे सकता है, कौन कर सकता है, इस पे सोच विचार चल रहा है। उसके बाद प्रशासन को आप इन्फॉर्म करेंगे अगर नहीं पता चलेगा तो? जी जी जी। तो हम दुकानदार से एक चीज़ और पूछने की कोशिश करेंगे।
ये जो नुकसान हुआ है तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी से मांग करना चाहते हैं? मांग मतलब जो नुकसान हुआ है दुकान में, तो नुकसान हो गई है आप छोटा मोटा। अच्छा, तो आप दुकान ही काम करते हैं या कोई और भी बिजनेस है? नहीं, कोई बिजनेस नहीं है। इसी से मतलब घर चलाते हैं? इसी से घर चलाते हैं, और कोई काम नहीं है? और कुछ? तो ये एक छोटा सा किराना का दुकान चला कर ही मतलब अपना घर का खर्चा जो होता है उसको मेंटेनेंस करते हैं, पूरे बाल बच्चों को इसी से आप मैनेज करके चलाते हैं ना? हाँ, इसी से। तो ये छोटा सा दुकान से ही मैनेज करते थे अपने घरों को, और इसके दुकान में ही डाका डाल दिया, जो कि लगभग 8,000 इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, छोटा मोटा बात नहीं है गरीबों के लिए। छोटा सा किराना दुकान, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा दुकान है, अगर इस दुकान से 8,000 लेकर कोई चला जाए तो समझ लीजिए कि इसमें 8,000 का ही सामान था। तो मैं यहाँ के दर्शकों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी घटना ना हो इसके लिए आप लोग विरोध ज़रूर करें। मैं आपका दोस्त मोहम्मद गुलजार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड मीडिया।